नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि कौन से स्टॉक्स पे हम लोगों को कल ट्रेड लेना है, प्लस निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या सिनेरियो रह सकता है। उससे पहले हम अपने टेलीग्राम चैनल पे चलते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत लोगों को डाउट आ रहा है कि जो मेरा जो मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन पे लिंक प्रोवाइड कराता हूँ उससे आप लोग ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, या फिर जो मल्टीपल जो डुप्लीकेट चैनल बन चुके हैं फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के नाम से, कैसे हम किस पे ज्वाइन हुए वो मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। सो हम सीधा टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे। आप लोगों को क्या करना है, हमारा लिंक से अगर आप नहीं ज्वाइन हो पा रहे आपके फ़ोन में टेलीग्राम पे, आप टेलीग्राम पे जाइए, ऊपर आपको सर्च का बटन दिखता है, सर्च के बटन पे आपको टाइप करना है फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जब आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको मल्टीपल चैनल दिख रहे होंगे। ठीक है, मल्टीपल चैनल्स आपको दिख रहे होंगे, आपको कौन से चैनल पर ज्वाइन होना है वो है ये वाला चैनल। और इस चैनल पे देख सकते हैं कि मैंने अपना जो फोटो है वो भी चेंज करा हुआ है, तो ये हमारी फ़ोटो लगी होगी FI फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, जिसमें बुल है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बार्स बने हुए हैं। तो ये हमारा चैनल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अराउंड 7662 सब्सक्राइबर्स हैं, और यहाँ इस तरीके से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। किसी और ने भी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट बना रखा है तो आप सिर्फ इस ब्लू वाले लोगों को जाके ज्वाइन करिएगा या फॉलो करिएगा, और आप लोग यहाँ पर खुद ही देख सकते हैं कि जो मैं डालता हूँ जो YouTube पे स्टॉक्स होते हैं वही यहीं होते हैं। तो आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए ज्वाइन होने के लिए, सिर्फ आपको सर्च बटन पर जाना है और आपको सीधा ज्वाइन पर जाना है। अब आते हैं हम सीधा अपनी एनालिसिस पे। तो सबसे पहला स्टॉक जो मैं लेकर आया हूँ वो है रिलैक्सो, जो हम कल बाय करके चल सकते हैं। इसके पीछे का लॉजिक मैं बता देता हूँ आप लोगों को। इस रेंज से जब ये बाहर निकला, इस रेंज से ये वाली कैंडल से ये बाहर निकला, तो इस वाली कैंडल के ऊपर जाके आज इसने क्लोजिंग करी है, और क्लोजिंग करने के बाद हम लोगों ने आज भी इस पर एक बाय रिकमेंड करा था, बट ये ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाया, तो हम लोग इसे भी अभी बाय कर सकते हैं। जो ये एक रेजिस्टेंस आ रहा है ना, इस रेजिस्टेंस तक ये जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमें देख सकते हैं मल्टीपल बार रेजिस्टेंस फॉलो करने को मिला है। सो इस रेंज के ऊपर ये जब भी निकलता है, इस रेंज से देखिए, यहाँ से इस रेंज से ऊपर गया, इस लेवल पे सबसे पहले अटका, इस रेंज से ऊपर गया, यहीं अटका, तो ये हमारा टारगेट हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। बट इंट्राडे के लिए टारगेट आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक आता है हमारा हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर यहाँ पर एक बेस्ट लेवल पे है जो आप लोग बाय बना सकते हैं, और मैंने आप लोगों को स्क्रीनशॉट्स भी भेजे होंगे। और बहुत पहले की बात है, हमने इस लेवल पे 1800 पे बाइंग करी थी और 2560 पे हम लोग निकले थे अराउंड इस कहीं लेवल पे, और मैंने इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोगों को भेजा था। उसके बाद मैंने कोई भी बाइंग नहीं बनाई जो इतना फॉल आया था। अब मैं यहाँ पर बाइंग बनाने की सोच रहा हूँ कल, जो कि स्विंग ट्रेड होगा, इंट्राडे नहीं कह रहा मैं, स्विंग ट्रेड होगा, बट आप लोग इंट्राडे पे भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि कल इंट्राडे में एक मूवमेंट आ सकती है स्टॉक पे। क्या लॉजिक है आप यहाँ देख सकते हैं, अभी इस पे बिल्कुल सेम लॉजिक आप लोगों को बैंक निफ्टी पे भी देखने को मिलेगा। एक ब्रेकडाउन मिला, ब्रेकडाउन पे जो प्रीवियस स्विंग लो था वो इसका डबल बॉटम बना, यहाँ पर भी ट्रिपल बॉटम टाइप सिनेरियो बना। उसके बाद जब मैंने एक ऊपर से लाइन खींची तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। सो अब इसके ऊपर यहाँ पर यही लेवल निकल के आ रहा है, जो ये लेवल निकल के आ रहा है यहाँ तक एक बाइंग आ सकती है कल के लिए, और हम लोग इस पर एक बाय बना सकते हैं। बट मेरा जो शॉर्ट टर्म टारगेट है वो 2400 के आसपास का है, जहाँ पर मुझे लगता है कि ये एट अ मैटर ऑफ टाइम तक जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक आता है हिंड पेट्रो, जिसे हम कहते हैं HPCL। ये भी एक बाय है, कल अगर डिप मिलती है तो भी बाय बना सकते हैं, बट मुझे लगता है इस लेवल से भी एक रिकवरी आ सकती है। अगर मैं इस लेवल की रिकवरी दिखाऊं आप लोगों को, यहाँ पर देख सकते हैं इस लेवल पे फोकस करेगा, एक स्ट्रांग रैली आई, ठीक है, रैली आने के बाद एक रेंज के अंदर जा चुका है। अब रेंज के अंदर जाने के बाद ये लेवल जो है, इस लेवल से जैसे ही एक ब्रेकआउट देगा बहुत बढ़िया बाइंग आ सकती है, बट हम लोग कल इस लेवल पे भी एक बाय बना सकते हैं। कल अगर ये डिप देता है 204-205 के आसपास तो भी हम लोग एक बाय पोजीशन इस पे इनिशिएट कर सकते हैं इंट्राडे पे, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक पे आते हैं, जो कि है हमारा L&T हाउसिंग फाइनेंस फाइनेंशियल होल्डिंग। L&T फाइनेंस होल्डिंग, यहाँ पर आप ये लेवल देख सकते हैं, मैंने देखिए अराउंड 57 से इस पर अपनी बाय पोजीशन बना रखी है, 56 से बना रखी है सॉरी। और अब आप देख सकते हैं ये जो ब्लैक कलर की लाइन और रेड कलर की लाइन पे फोकस रखिएगा, ये इस रेंज के अंदर काम कर रहा था, इस रेंज का ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद नीचे आया, तो ये सपोर्ट बन गया जो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। फिर जब ये ब्रेक हुआ
और दोबारा ऊपर गए, ये रेजिस्टेंस बन गया, अब इवेंचुअली इसका भी ब्रेकआउट दे चुका है, ब्रेकआउट दे चुका है दोबारा इस रेंज का, दोबारा ऊपर जा रहा है, तो यहीं पर ही एक रेजिस्टेंस है, कहीं और रेजिस्टेंस नहीं है। सो यहाँ पर तक एक बाइंग आ सकती है, इवेंचुअली कल बाइंग नहीं आ सकती इतनी हैवी, बट हम लोग कल एक अच्छा खासा लेवल देख सकते हैं जो कि 69 से 71 के बीच में होगा। तो लेवल्स आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं। PVR तो मैं आप लोगों को 1000 से रिकमेंड कर रहा हूँ, जिसमें मैंने अपनी होल्डिंग बना रखी है, और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैंने 1000 रुपये के लेवल से इस पर बनाई रखी है अपनी पोजीशन। मेरा 1700 से 1800 का टारगेट है जो मुझे लगता है कि दिखा सकता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मेरे बाय के लिए सजेशन क्यों था, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, दूसरी स्ट्रॉन्ग कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद हमने जब इसके ऊपर देखा एक कैंडल निकली, बट क्लोजिंग इस नेक्स्ट कैंडल के नीचे दी, इसके ऊपर निकला कैंडल के नीचे क्लोजिंग दी, इसके ऊपर निकला कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे चुका है। अब प्रीवियस रेजिस्टेंस भी एक ये है, तो अराउंड कल ये अगर 1262 1263 से ऊपर निकलना शुरू करता है तो एक अच्छी खासी एक ऐसी कैंडल दोबारा और बना सकता है। क्या करा इसने, अगर इसे नीचे आना होता तो एक अच्छा खासा नीचे आ चुका होता आज, और इस लेवल से फिर एक बाइंग आती, बट ये क्या करा एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई, दो दिन हॉल्ट करा और आपके दिन ब्रेकआउट दे गया, और अब यहाँ से एक बड़ी कैंडल दोबारा बना सकता है और फिर एक रैली दोबारा स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, तो इस पर हम लोग कल एक बाय पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। मेरा लॉन्ग टर्म टारगेट तो 2000 प्लस है, लॉन्ग टर्म टारगेट भी नहीं, एक डेढ़ साल का टारगेट है जो मुझे लगता है कि 2000 प्लस तक का दिखा सकता है। हम आते हैं नेक्स्ट पे, तो नेक्स्ट आता है निफ्टी। यहाँ थोड़ी मुझे लगता है सिस्टम पे प्रॉब्लम आ गई है, एक सेकेंड। इसे ओपन होने में टाइम लग रहा है, तो मैं सीधा उसका कोड डाल देता हूँ, निफ्टी बैंक, एक सेकेंड। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में बिल्कुल सेम हिंदुस्तान यूनिलीवर वाला सिनेरियो है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए एक रेंज थी, हिंदुस्तान में भी एक रेंज थी, रेंज का ब्रेकडाउन दिया मैंने, बोला प्रीवियस स्विंग लो क्या है, प्रीवियस स्विंग लो ये है, डबल बॉटम टाइप सिनेरियो यहाँ पर बनाया, फिर एक बार रीटेस्ट करा, अब दोबारा ऊपर बढ़ रहा है। ये एक लेवल आपको मैं एक जोन दिखाता हूँ, इस जोन के अंदर अभी काम कर रहा है, ये जोन है, ये जोन, इस जोन के अंदर अभी काम कर रहा है, इस जोन के ऊपर ब्रेकआउट देगा तो इवेंचुअली जोन के अंदर भी आ जाएगा, तो हमें फिर हायर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में अभी ज़्यादा मोमेंटम नहीं आई है, तो निफ्टी अगर 11,430 का लेवल ब्रेक करे तो बैंक निफ्टी में भी आप बाय पोजीशन बना सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की एनालिसिस, और गाइज प्लीज़ सपोर्ट मी टू क्रॉस 50,000 सब्सक्राइबर बेस, आप लोग ही मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और लोग अगर शेयर कर सकते हैं हमारे इस वीडियो को, हमारे यूट्यूब को, चैनल को, तो आप लोग प्लीज़ शेयर करिएगा। और कमेंट सेक्शन पे मैं अपना टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, प्लस मैं जो मेरे इस वीकली एक का स्विंग ट्रेड था वो भी मैंने अपलोड कर दिया, वो भी मैं डाल दूंगा, प्लस इंस्टाग्राम पे भी आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हैं फॉलो करके, प्लस ट्विटर पे भी कर सकते हैं। मैं देखिए सिर्फ आपका सपोर्ट मांग रहा हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहा, सो आप लोग मुझे एक बार सपोर्ट कर सकते हैं, अगर हमारा 50,000 सब्सक्राइबर क्रॉस हो जाएगा सो मुझे बहुत खुशी होगी। सो मैं इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो पे, मैं शिवांश भसीन साइनिंग ऑफ़।